अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना के संयुक्त तत्वाधान में भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री व अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर जन्म उत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था और भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, वह अभी भी भगवान हनुमान अश्वत्थामा की तरह धरती पर विचरण कर रहे हैं। वह भगवान विष्णु के छठवें अवतार हैं, इसलिए हम सभी भगवान परशुराम के अवतरण दिवस को जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप पांडे, पंकज चतुर्वेदी, अविनाश त्रिपाठी, शिव प्रकाश त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे ने कहा, राम जयंती हर वर्ष अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल की जो तृतीया तिथि है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया इसलिए कहा जाता है कि भगवान परशुराम का धरती पर अवतरण वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को हुआ था और अक्षय माने जिसका क्षय हो ही न। भगवान परशुराम जो है वह चिरंजीवी हैं, आज भी धरती पर सशरीर विचरण कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी हों, भगवान परशुराम हों, अश्वत्थामा हों, विभीषण हों, कृपाचार्य हों, ये सब लोग सशरीर कलयुग में भी धरती पर विचरण करने वाले लोग हैं। तो भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। जैसे त्रेता में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, उसी प्रकार राम के समकालीन राम से पहले परशुराम आए थे, परशुराम का अवतार राम के पहले हुआ था। आज तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री परशुराम जी धरती पर अवतरित हुए थे और हम लोग भगवान परशुराम के इस अवतरण दिवस को जन्मोत्सव चूंकि सशरीर विचरण कर रहे हैं इसलिए जयंती नहीं महापुरुषों की मनाई जाती है। ये भगवान हमारे यहाँ आराध्य हैं, इनका जन्मोत्सव कार्यक्रम चलता है और जन्मोत्सव कार्यक्रम तो ये गोरखपुर में एक दिन का है, प्रदेश में तमाम जगहों को पूरे वैशाख भर चलता है जन्मोत्सव कार्यक्रम। पूरे वैशाख शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, जब वैशाख कांत होता है तब समापन होता है उसका। तो इसलिए आज जन्मोत्सव कार्यक्रम में हमारे सभी लोग आए हुए हैं, हम आए हुए सारे लोगों का
स्वागत करते हैं। ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, ये ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है। ब्राह्मण की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण अपने आराध्य के सवाल पर, अपने सिद्धांत के सवाल पर एकजुट है, एकजुट रहेगा, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। और आज आवश्यकता है कि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के देश में जो सांस्कृतिक संस्कृति और संस्कृत दोनों पर हमला हो रहा है, हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, हमारे संस्कृत पर हमला, दोनों को बचाने का कार्य ये विशाल ब्राह्मण समाज करे। और आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि भगवान परशुराम की जयंती को पुनः सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, संस्कृत विषय को कक्षा 12 तक अनिवार्य घोषित किया जाए। ये सब हमारी मांग है, जिस पर आज हम लोग गहन विचार विमर्श करेंगे। और विचार विमर्श के उपरांत अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा देश के ब्राह्मणों की एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे देश के हर प्रदेश में कार्यरत है। तो हम आज की जो रणनीति तय करेंगे उसके अनुसार आने वाले दिनों में हमारे संघर्ष की रूपरेखा बनेगी, जिससे हमारे समाज को दबाया जा रहा है जाति आरक्षण के नाम पर, वो दबाव खत्म हो, जो आरक्षण है, देश के आज़ादी का 75 साल व्यतीत हो गया, आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। जो भी गरीब तबका है, किसी जात धर्म संप्रदाय का हो, उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।